हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐश्वर्या कॉलेज में इको पर्यावरण क्लब का उद्घाटन। जोधपुर में मरु पर्यावरण संरक्षण संगठना एवं ऐश्वर्या कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में अजोला पादप पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं कार्यशाला शुक्रवार को ऐश्वर्या कॉलेज में शुरू हुआ। इस अवसर पर इको पर्यावरण क्लब का उद्घाटन भी किया गया। संगोष्ठी की संयोजक डॉक्टर अंजना व्यास ने बताया कि आज ऐश्वर्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन जोधपुर में इको क्लब का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज एक नए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो रही है जिसका नाम है इको क्लब, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि वो अपने कक्षा में जो चीज़ पढ़ते हैं उसी को अपने क्लास और अपने कॉलेज के प्रेमिसेस से बाहर जाकर उनको प्रैक्टिस कर सकें, एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, रिसाइकल रीयूज का फॉर्मूला अपनाते हुए वेस्ट चीज़ों का मैनेजमेंट कर सकें और एनवायरमेंट को स्वच्छ बनाए रखने में अपनी भागीदारी निभा सकें। इसके माध्यम से बच्चों को सिंपोजियम, वर्कशॉप्स, क्विज, पोस्टर मेकिंग, इको टूर्स, इन सब गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को इन्वॉल्व किया जाएगा, जिससे कि उनके अंदर अवेयरनेस बढ़े और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो आगे चल करके और इसका मैसेज आगे लेकर के जाएं और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अपनी भागीदारी निभाएं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अंजना व्यास ऐश्वर्या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।